ओके सो सौरभ लेट्स गो अहेड विद योर एचआर फॉर पॉलिटेक्निक बीपीएससी लेक्चरर। आप इतना बताएं कि आपने बीटेक कब से किया, कहाँ से किया क्वालिफिकेशन अपना, और उसके बाद से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, इतना बताएं हमें। जी, मैंने बीटेक अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम से 2020 में पास आउट हुआ। उसके बाद कोविड के 6-7 महीना घर पे ही बैठा था। उसके बाद मैं एज ए नेट्स ट्रेनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा में ज्वाइन किया हूँ। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा में ही 2001 साल का नेट्स ट्रेनिंग होने के बाद मैं एज ए गेस्ट लेक्चरर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कितना टाइम होगा तुम्हें गेस्ट लेक्चर? 1 ईयर सर, 2022 मार्च में ज्वाइन किया हूँ और ये अभी 1 ईयर के अप्रोक्स हुआ है। पॉलिटेक्निक ये क्या पॉलिटेक्निक है या इंजीनियरिंग कॉलेज है? तो कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा से। क्या पढ़ाते हैं वहां पे? हाँ सर, जनरली तो अभी जो थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है, आइस इंजन पार्ट्स है, और ड्यूरिंग नेट्स के दौरान भी मैंने कुछ टॉपिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स कर लिया था ये सब। और लैब कौन सी लेते हैं? लैब तो नहीं होता, तो लैब के लिए सर लैब असिस्टेंट होते हैं सर। नहीं, लैब में जाते तो होंगे आप। ये सर जो फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है वो लैब अवेलेबल है सर। एक्चुअली सर ये कॉलेज पूरा सेटल अभी नहीं हुआ है, तो कॉलेज अपने परमानेंट कैंपस में आया तो लैब चलिए अभी तो और अच्छी बात है, वर्किंग नहीं। आपको लैब बनाने को मिलेगी, यस सर, आपको तो लैब यस एस्टेब्लिश करने को मिलेगा ना। यस सर, यस सर। तो सौरभ बताइए जरा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है आपकी लैब में पड़े हुए फ्लूड मैकेनिक्स के? हाँ सर, जो मैंने देखा अभी तक जो वेंचुरीमीटर्स है, ठीक, वेंचुरीमीटर्स है और पिटोट ट्यूब है, इन सारे अवेलेबल अभी हम यहाँ पे है सर। उसके बाद जो मशीनिंग में है, पेल्टन टरबाइन और जो कैपलन टरबाइन, ये टरबाइन्स भी अवेलेबल है सर हमारे लैब में। अच्छा, पीडी ट्यूब केमिस्ट्री लैब में मिलती है क्या? पिटोट ट्यूब यस सर अवेलेबल, तो केमिस्ट्री लैब में भी है सर। किस लिए यूज करते हैं पीडर ट्यूब को? हाँ, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग पिटर ट्यूब का यूज करते हैं। डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाने में और डिग्री के बच्चों को पढ़ाने में क्या डिफरेंस है सौरभ? हाँ, डिप्लोमा के अभी 10th के बाद आए सर, इन्हें टेक्निकल नॉलेज अभी बहुत ही कम है। डिग्री के बच्चे कुछ 12th करने के बाद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाती है, लेकिन जो डिप्लोमा के बच्चे वो डायरेक्ट 10th करके आते हैं, तो इन्हें अभी बेसिक्स जो चीजें हैं वो सब चीज बतानी पड़ती है सर। तो कैसे करवा सकते हैं उनको? अच्छा, हाँ, उनको पहले से स्टार्ट करते हैं सर, जहाँ पे जैसे क्या होते हैं फोर्स, तो बच्चे 10th तक पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो उनका जानकारी अभी तक नहीं होती है। तो पहले हम फोर्स बताते हैं, फिर हम स्ट्रेस के बारे में कैसे डेवलप होती है उनको बेसिक से लेके मैं पूरी तरह से उसको जानकारी देता थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? हूँ। हाँ सर, थ्योरी मशीन में जो मैकेनिज्म पार्ट था, सिंगल स्लाइडर क्रैंक, फोर बार चैन मैकेनिज्म, ये सब चीज मैंने उन लोग को बताया था। कोई मैकेनिज्म दिखाते भी उनको आप? हाँ यस सर, जो पेंटोग्राफ मैकेनिज्म, पेंटोग्राफ जो रियली जो अभी रेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है सर, वो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो चीज मैं उन लोगों को से दिखाया। मैकेनिज्म में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? कौन वन सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है सर मैकेनिज्म की। से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप बिहार में, कुछ सर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। बताएं जरा इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सर ये तो अपने रिवर के नाम से ज्यादा ही फेमस है, कोसी रिवर्स, जो कि शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है बिहार में। तो अच्छा, इसको शोक नदी से अगर हमें इसको यस, मैरी ऑफ बनाना हो बिहार, तो कैसे बना सकते हैं? एक ही है सर, जो नेपाल के पास कोसी बैराज है उनके ऊपर बहुत अच्छा डैम अगर बनाया जाए तभी बन सकता है सर, वरना हर एक साल जब नेपाल से पानी छूटती है तो वो पूरा पानी कोसी एरिया को पूरा मतलब खत्म कर देती है, पूरी तरह से वो बर्बाद कर देती तो है अभी तक फसल डैम को। बनाया क्यों नहीं? सरकार तो कोशिश की थी पिछले बार भी, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई है सर अभी तक। क्यों? हमारे हाँ पास इंजीनियर्स नहीं है डैम बनाने के लिए? नहीं सर, सोर्स की में भी कमी होगी सर, या फिर वो फंड नहीं डेवलप कर पा रहे होंगे, अरे, इतना यही बिहार है। का हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान होता है,
लेकिन सर नॉर्थ बढ़ा बिहार दी की है। तरफ जो कोसी रिवर्स है उनके तरफ सरकार भी ध्यान, जो बिहार सरकार वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़े इन कंपेरिजन टू साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार थोड़ी ज्यादा ही पिछड़ी हुई है सर, सरकार भी इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। चलिए, अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनेंगे तो क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? हाँ, सबसे पहले सर मैं जो देख रहा हूँ यहाँ बच्चे लैब की तरफ नहीं जाते, मैं अभी तक 2-3 पॉलिटेक्निक सर गया हूँ ड्यूरिंग टीचिंग, तो देखता हूँ बच्चे ज्यादातर थ्योरी पेपर पढ़ लेते हैं लेकिन लैब नहीं कर पाते ज्यादा, जो कि डिप्लोमा के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैब है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा जो जो लैब है वो बहुत अच्छे से थ्योरी की कंपेरिजन थ्योरी भी क्लास हो, लैब भी बहुत अच्छे से कराया जाए बच्चे को, ताकि डिप्लोमा के जब तक लैब नहीं होगा, अगर हैंड फ्री नहीं होगा उनको मशीन पे, चाहे लेथ मशीन हो, तो तब तक तो वो बच्चे कहीं कोई भी जो कंपनी है उसमें काम करने लायक नहीं है, फिर वो काम मेरे माइंड में ऐसा सबसे पहले वो करना। ओके ओके सौरभ, लेट मी गिव यू फीडबैक। सौरभ देखो, यस इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे, क्या किया यस आपने, क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं। आप जब बोलोगे मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा हूँ तो अगले क्वेश्चन आएंगे वहां से, ये नहीं बोलना कि सर मैं अभी नई लैब है, मैंने देखा नहीं, मैं तो लैब में नहीं जाता हूँ, ये नहीं बोलना। वो तो लैब टेक्नीशियन यस लेते हैं, ये आंसर नहीं करने। लैब टेक्नीशियन तो हर बार ही उधर टीचर तो रहता ही है साथ में। यस कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या है वहां पे, वो ये पूछना चाहेगा तुमसे। ओके सर कौन सी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, और डिप्लोमा वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक ओके सर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करके दो। ये जितनी यस प्रैक्टिस योर पीडीए के साथ तुम कर रहे हो, इसका पर्पज ये होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब जो भी ओके तुम सर आंसर दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हो, ये तुम्हारे पास आना चाहिए, राइट। ओके सर ये करो, यस ठीक बाकी लगाओ और एचआर लगाओ और टेक्निकल स्नैप ओके लगाओ, मैराथन को करना स्टार्ट करो। यस सर मैराथन शुरू कर दिया सर ने। ओके।